हेलो हाय दोस्तों, क्या हालचाल। तो मैं आज अपने दिल्ली वाले घर हूँ और मम्मी, मैं, पापा और मामा जी, उनका परिवार। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी मंदिर जा रहे हैं राजस्थान में, और हमारे घर से 6 घंटे का रास्ता है, 300 किलोमीटर का अराउंड है, और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं। और बहुत बातें सुनी है वहाँ के बारे में। आइए चलता हूँ, आज आपको पूरा दिन दिखाता हूँ। और आज ना बहुत स्पेशल डे भी है, आज 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 60 लाख लोगों का परिवार पूरा हुआ मेरे यूट्यूब पर, तो वो भी दिखाता हूँ आपको, आज ये सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सामने मामा गाड़ी है और अब हम आगे पीछे बोलेंगे। तो दोस्तों, अब खाने पीने के लिए हम यहाँ पे हाईवे पे रुके हुए हैं, यहाँ जा रहे हैं, कोई ढाबा है। आज इसका बोर्ड का पेपर था, कौन सा पेपर था तेरा बोर्ड का आज? इधर देख, शर्मा क्यों रहा है? गुन, तेरा बोर्ड का पेपर था आज कौन सा? तुम शर्मा लो पहले दोनों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज आपकी वजह से 6 मिलियन लोगों का परिवार पूरा हुआ मेरे YouTube चैनल पे। थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार बनाए रखें। बाबा तेरी जय जयकार। कहाँ से हो? चलो भैया। तो दोस्तों, अभी हम होटल के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होटल है और ये हमारा रूम है 204। ओके, पिताजी विश्राम कर रहे हैं। ये शिक्षा, यो इधर गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हम अपने होटल से निकले और फिर सीधा यहाँ पे मंदिर के लिए आए, खाटू श्याम मंदिर के लिए। और अभी हम लाइन में लगेंगे मंदिर में। तो दोस्तों, ये मंदिर की लाइन है, ऐसे zigzag करके जा रहे हैं लाइन में से, और थोड़ी देर बाद हमारे दर्शन होंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छे दर्शन हो गए खाटू श्याम बाबा के, जो जय बाबा जी, जय बाबा जी। और अभी हम राजस्थान में हैं और अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम बैठे हुए हैं रिक्शा के अंदर और अभी हम जाने लग रहे हैं पार्किंग की तरफ। कहानी में ना एक ट्विस्ट आया, जो मामा जी थे और उनकी पूरी फैमिली थी वो तो निकल गए, और हमने सोचा कि यार अभी तो हमारे पास टाइम है, घूमते हैं और व्लॉग शूट करते हैं, और मम्मी पापा और मैं अकेले रह गए यहाँ पे। और अभी हम जयपुर आ चुके हैं और सामने है जल महल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब हम घूमेंगे, जल महल जाएंगे, फोर्ट जाएंगे इधर उधर। दोस्तों, अभी हम जल महल में ये पीछे और घूम रहे हैं, और बस देख लिया, ये है जल महल, आप भी देख लीजिए जैसे हमने देखा। ये कितने की एक बोतल? 30 दो दे दो। तो अब इधर घूमना फिरना हो गया है और अब हम निकल रहे हैं फोर्ट की तरफ, और फोर्ट के बाद हम निकलेंगे हवा महल।
दोस्तों अभी ये पहाड़ी रास्ता चल रहा है और अभी हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, नारगढ़ फोर्ट है। अभी हम बीच में रुके हैं, मतलब मैं रुका हूँ, मम्मी पापा अंदर है गाड़ी में, यहाँ के नज़ारे दिखाने के लिए आपको। देखिए यहाँ किसी ने मतलब पानी रख रखा है इन बर्ड्स के लिए, कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे पी रही है पानी। मैं अभी आपको वहाँ से पूरा व्यू दिखाता हूँ। और कुछ पागल इंसान ऐसे यहाँ पे कूड़ा फैलाते हैं, देखिए कितना गलत है यार। मैं जब भी घूमने जाता हूँ मैं हमेशा देखता हूँ पहाड़ों को बिल्कुल सड़ा रखा होता है, या कहीं पर हम जाते हैं जगह जगह कूड़ा, जगह जगह कूड़ा, पता ये कौन साफ करेगा इस कूड़े को यहाँ पे ऐसे। देखिए पूरा का पूरा जयपुर दिख रहा है, ये सारे घर हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्ट की एंट्री, यहाँ पे जा रहे हैं हम। और अभी अभी मैंने नारियल पानी लिया है, पूरा एक लीटर लिया है, क्योंकि अंदर हमें टाइम भी लगेगा, धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो पीते पीते जाएंगे बस। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, एनर्जी भी आएगी दबा के से पीने। तो एंट्री के चार्जेस है 50 रुपये, और कोई फॉरन वाला बंदा आता है विदेश का उसके 200 है। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना यार, बुरा हाल हो चुका है, पसीने 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 बार बार साफ कर रहे हैं भाई गर्मी में। तो दोस्तों हम फोर्ट पे पहुंच चुके हैं और ये सामने से कुछ ऐसा नज़ारा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे पुराने पुराने किले देखना, फोर्ट देखना, जिसे एंशियंट टाइम का पता लगे, हिस्ट्री का पता लगे। ये सामने बंदर बैठे हैं और ये पूरा जयपुर दिख रहा है, देखिए वाओ सो ब्यूटीफुल, पूरा का पूरा जयपुर हमारे सामने है। अब हम सामने एंट्री करते हैं, अंदर ये मेन गेट है और ये सामने दो तोप रखी हुई है, ये ऐसे दिखावटी हैं पता नहीं। ये चेंजिंग रूम है, ये आग जलाने के लिए था जब सर्दियों में। ये बेडरूम, ये डाइनिंग रूम, ये अच्छा अच्छा ये गर्मी के लिए बना है, सीजर का बिल्कुल खस खस बनाया करते थे, पानी डालो तो ठंडी हवा आती। पुराना ओरिजिनल का है, फल और सब्जी से बना है ये, पुराना ओरिजिनल ही है सारा। यहां भी कूड़ा फैला गए लोग, गर्मी के लिए बेडरूम मतलब नीचे सर्दी ऊपर गर्मी। अच्छा ऊपर गर्मियों के लिए सोने के लिए, नीचे सर्दियों के लिए। कालो खान पुनः दिखो, पुनः दिखो, हाँ आप उधर बोल रहे हो, आवाज आ रही है ऐसा कैसे? तो ये दीवारों के कान है, यहाँ पे एक बंदा कान लगाएगा तो इधर, तो मतलब यहाँ ऐसे सुनते थे, इधर लगा के इधर सुनते थे, तो बीच में रानी आराम करेगी। हाँ एक सर्वेंट इधर, एक सर्वेंट रहेगी, तो पंखे के लिए भूख लग रहा है। अच्छा तो पंखा ही लाएगी सर्वेंट, अगर खड़ी खड़ी बोर हो गया तो आप अपने दूसरे से बात करेगी। आज तक सुना था ना दोस्तों दीवारों के भी कान होते हैं, आज देख भी लिया। ये राजा का सीक्रेट रास्ता है, राजा राजा सामने से आएगा, मतलब यहाँ पे गेट खटखटाते तो जोन सी भी रानी आएगी मिलेगी। कितनी रानी थी राजा के? नौ रानी थी। ये सबके गेट है, एक इधर हो गया, एक खिड़कियां। वाह भाई राजा जी मजे है, एक रानी इधर, एक रानी इधर, ऐसे खटखट करा। ये राजा का ड्रेसिंग रूम है ये वाला? ये पूरा। अच्छा पूरा आशीष है तो ड्रेसिंग रूम है। राजा वहां खिड़की बोलते, रानी यहां से बैठ के देखती थी नाच गाना वगैरह कुछ भी। ये बेडरूम का ऐसा रास्ता। हाँ 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 चलो चल रहे भैया, है ना। ले 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 एंजॉय दोस्तों, मोर ही मोर है, पीकॉक अनलिमिटेड। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सामने, डर जाएंगे पर ये मुझसे भाग गए, भाग गए सब, दूर भाग गए।
वो ब्यूटीफुल, इनके पैर देखो, पता है अपने पैर देख के रोते हैं। तो दोस्तों फोर्ट के बाद हम हवा महल आ चुके हैं। हवा महल के सामने हूं मैं अभी, ये देखिए। और अब ये पूरी मार्केट हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। मम्मी को भी कुछ लेना है और मुझे भी कुछ लेना है सामान। देखते हैं यहाँ पे क्या चीज क्या क्या है। बड़ा सुंदर लग रहा है यार। तो दोस्तों हवा महल के बाद अभी हम बापू मार्केट जा रहे हैं और अभी हम ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं। ठीक है, सामने ये मार्केट दिख रही है पूरी यहाँ से। ये बापू मार्केट है दोस्तों, बापू मार्केट। और अभी ये बंद हो चुकी है बिल्कुल, खाली एकदम। मम्मी पापा ने शॉपिंग कर ली अपने लिए। तो जयपुर में हम चांदनी चौक के जीने में चढ़ चुके हैं पतला सा, और ऊपर रेस्टोरेंट पे सब बोल रहे हैं कि अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो दोस्तों ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई आज, पर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे अच्छे हुए सुबह। उसके बाद खाटू श्याम राजस्थान के बाद हम जयपुर में आए और जयपुर में हमने फोर्ट गए। फोर्ट के बाद हमने हवाई महल देखा और हवाई महल देखा, जल महल देखा। अच्छा लगा। मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ जयपुर, पर फर्स्ट टाइम जब मैं आया था मैं अपने दोस्तों के साथ आया था कॉलेज के टाइम, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अब सोने का वक्त हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मर्जी हो तो। बाय। अपना नाम बताओ। रणवीर नाम है आपका। और कौन सी क्लास में हो? तीसरी। पूरा नाम बताओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? ऐसे घूम रहे हो? स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में? तीसरी में। अच्छा, हंस के दिखाओ। हेलो बोल दो सबको।